जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। जी हाँ, स्टे फोकस्ड, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य तरफ बढ़ते रहिए विथ पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव माहौल। आइए हम केस स्टडी बेस्ड एमसी की तरफ बढ़ रहे हैं और आ रहा है आपके सामने एमसीक्यू नंबर 7, केस स्टडी नंबर 7। आइए सरकार, देखिए अपने स्क्रीन पर, सर पढ़ते रहिए। माहौल, सर मेसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिला होगा, केस बेस्ड एमसीक्यू ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड सेक्शन नंबर 8। मेसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ मुंबई इज अ मैन्युफैक्चरर एंड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मशीन। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाइज ड्यूरिंग द मंथ आर एज फॉलोज। ओके सर, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम पहले। बच्चों, ये वही क्वेश्चन जो आईसीएआई ने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछे थे बेटा, उसको मैंने मॉडिफाई करके और एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि कैसे आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपने इतने सारे सॉल्व किए उनको लिंक कर सकते हो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तो आपको बहुत ज़्यादा केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, जो आपने क्वेश्चन पढ़े वही केस स्टडी बेस में आ सकते हैं। इसलिए मैंने इस एग्जांपल को जानबूझ के इस तरह से लिया है सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरह से एमसीक्यू बन सकते हैं जो आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़े उन्हीं के। देखिए एमसीक्यू नंबर 1 क्या बोलता है बेटा आपके लिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। तो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना बेटा, तो देख लीजिए क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा माइंडसेट उस तरफ बढ़ेगा बेटा। इसलिए हम पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सो दैट हम आंसर फॉर्म में ही चले, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद वापस पूरा नहीं पढ़ना पड़े अपने को। ओके, एलिजिबिलिटीज निकालना है सर। तो इन्होंने डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाइज ड्यूरिंग द मंथ दे रखा बेटा। फर्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइज विच इज स्टेचुरली रिक्वायर्ड एज पर गवर्निंग लॉज। आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइज, हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलता है, पर अगर किसी लोन ने ऑब्लिगेटरी कर रखा है कि सर आपको अपने फैक्ट्री के एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा और उसकी वजह से अगर आपने इंश्योरेंस कराया तो जो प्रीमियम पे जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिलेगा, तो यस 20,000 इज एलिजिबल क्रेडिट। सेकेंड, रॉ मटेरियल्स फॉर विच इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड एंड जीएसटी हैज ऑल्सो बीन पेड फॉर फुल अमाउंट बट गुड्स विल बी डिलीवर्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट। एज ऑफ नाउ ओनली 50% ऑफ द मटेरियल हैज बीन रिसीव्ड, रिमेनिंग 50% विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट मंथ। और बच्चों आपको पता है कभी भी गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है तो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है क्या, लास्ट लोड जब आएगा तब हमको पूरा क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस केस में क्या हुआ है, 2 इंस्टॉलमेंट में गुड्स आएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस मंथ में आ गई है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट मंथ में आएगी। ऑल दो इनवॉइस रिसीव हो गया, जीएसटी पे हो गया, कोई कंसर्न नहीं है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट लास्ट लोड जब आएगा तब पूरा क्रेडिट मिलेगा, अभी पार्शियल क्रेडिट कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, तो कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। थर्ड, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपको पता है सर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर सी और क्लॉज नंबर डी, वहां लिखा है साफ क्या, कंस्ट्रक्शन में जो भी गुड्स और सर्विस काम होता है उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, पर अगर प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलमेंट के लिए प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए कोई अपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज करिए या कोई भी गुड्स यूज किया है, यस आईटीसी मिलता है, तो यस इसका आईटीसी मिल जाएगा सिंस इट इज बीइंग यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 12,000 ओके। देन परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर प्रीमाइसेस अंडर चालान। और जॉब वर्कर के यहाँ अगर आप कोई गुड डायरेक्टली भेजते हो तो जब उसको रिसीव होता है जॉब वर्कर को, हम मान लेते हैं हमको रिसीव हो गया और यस हमको आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन नंबर 50,000 एड करेंगे बेटा हम। याद आया बिल टू शिफ्ट बेटा, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्लोज बी, क्लियर क्रेडिट मिल जाएगा इस केस में भी आपको। देन परचेज ऑफ कार यूज बाय डायरेक्टर फॉर बिजनेस मीटिंग ओनली। भाई बिजनेस मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग हो, मतलब कोई भी मतलब अदरवाइज होते ना माहौल, सर कार का क्रेडिट नहीं मिलता। याद है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज ए, मोटर व्हीकल्स हैविंग सेटिंग अप्रूव्ड सेटिंग कैपेसिटी अप टू 13% क्रेडिट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन दिए वहाँ पे, और उन एक्सेप्शन में ये कवर नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा सब। देन आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर बिजनेस मीटिंग, अगेन आउटडोर कैटरिंग सर्विस का भी क्रेडिट नहीं मिलता है, क्लियर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज बी, सर उसका फर्स्ट आइटम नंबर 1 उसमें मना किया, आउटडोर कैटरिंग का कोई आउटडोर कैटरिंग सर्विस का कोई क्रेडिट नहीं मिलता। ओके, तो 8,000 का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऑल्दो फॉर बिजनेस मीटिंग फिर भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद है फूड एंड बेवरेजेस आउटडोर कैटरिंग उसमें कवर है, कोई क्रेडिट नहीं मिलता इसका सर। नेक्स्ट, अच्छा बस
फिर क्या है, अपने को तो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना ना, और देख लीजिए इनपुट सप्लाई का कुछ दिया गया इसने इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट दिया है मैसेज मगरवाल इंडस्ट्री लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ मशीनरी अलॉन्ग विद द मैन पावर फॉर ऑपरेशंस, और यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन रिसीप्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, वो रिसीप्ट दे रखी है, सेल्स दे रखी है आपको, और रेट ऑफ टैक्स दे रखा है बस। तो सर हमारा अमाउंट आया 82,000, तो 82,000 एमसीक्यू नंबर वन का बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट पेज तक ले जा रहा हमको, और हाँ सर बिल्कुल सही जवाब मिल गया, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देवी और सज्जनों एमसीक्यू नंबर टू की तरफ बढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट पढ़ाओ। देखिए हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज आर, तो उसके लिए पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। वेट सर, ये जो बॉक्स दे रखा है आपको, इसमें इनवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन था वो हमने पूरा पढ़ लिया, अब देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। मेसर्स बॉक्स के बाद में क्वेश्चन के अंदर, मेसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ द मशीन्स अलोंग विथ मैन पावर फॉर ऑपरेशन। एज पर ट्रेड प्रैक्टिस मशीन्स आर ऑलवेज हायर्ड आउट अलोंग विद द ऑपरेटर्स एंड ऑल्सो ऑपरेटर्स आर सप्लाइड ओनली वेन मशीन्स आर हायर्ड आउट। मतलब ये मशीन भी हायरिंग पे देता है, और जो मशीन ही हायरिंग भी देता है उसके साथ में मैन पावर भी देता है मशीन को चलाने के लिए बेटा। और मार्केट में प्रैक्टिस यही है कि सर मशीन तभी देंगे जब मैन पावर जाएगा, और मैन पावर तभी देंगे जब मशीन जाएगा। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में सप्लाई होता है, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, हाँ है ना बच्चों। और हाँ सर, रेट ऑफ टैक्स कितना दे रखा है, सेल ऑफ मशीन, देखो आगे क्वेश्चन दे रखा है, रिसीट दे रखी, रिसीट्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आर एस फॉलोज, हायरिंग रिसीट फॉर मशीन इतना दे रखा है, सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑपरेटर इतना दे रखा है, अज्यूम ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंटरस्टेट सप्लाई, रेट ऑफ आईजीएसटी टू बी एज अंडर, सेल ऑफ मशीन 5%, मशीन की सेल्स को मतलब नहीं है, सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ मशीन 12%, मैन पावर सप्लाई, सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑपरेटर सर्विस 18%, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई टी सी इज नील। ओके साहब, अब सर हमसे एमसीक्यू नंबर टू क्या बोलता है वो देखिए बाप बेटा। एमसीक्यू नंबर टू पूछता है, एमसीक्यू नंबर टू पूछता है हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज आर मिक्स सप्लाई की कंपोजिट है, सिंस एज पर ट्रेड पॉलिसी ये साथ में ही सप्लाई होता है, तो ये कंपोजिट सप्लाई है, और कंपोजिट सप्लाई अगर होता है तो प्रिंसिपल एलिमेंट जो होगा उसमें क्लासिफाई करेंगे। और सर मैन पावर सप्लाई करना इज नॉट अ प्रिंसिपल एलिमेंट, ऑब्वियस बात है, मशीन हायरिंग पे देना इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, और उसका जो रेट ऑफ टैक्स होगा जो 12% दिया हुआ था वो एप्लीकेबल होगा सब। तो सर एमसीक्यू नंबर टू, हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज आर, ए गलत आंसर, बी देखिए क्योंकि ए में आगे लिख दिया मिक्स सप्लाई, देखना ही नहीं आगे बेटा। बी बोलता है कंपोजिट सप्लाई एंड आर चार्जेबल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% बिकॉज सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज इज प्रिंसिपल सप्लाई, नो गलत। सी बोलता है दीज आर कंपोजिट सप्लाई एंड चार्जेबल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% बिकॉज हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर जो मशीनरी है इज द प्रिंसिपल सप्लाई, यस सी इज द करेक्ट आंसर। डी बोलता है क्या, दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स, दीज आर नीदर मिक्स सप्लाई नॉर कंपोजिट सप्लाई बिकॉज कंसिडरेशन फॉर बोथ आर चार्ज सेपरेटली, देयरफॉर रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स गिवन विल बी एप्लीकेबल। नो साहब, भले ही कंसिडरेशन अलग अलग लिया है, अगर कंपोजिट सप्लाई होता है, भले ही कंसिडरेशन अलग अलग लिया है, कोई कंसर्न नहीं है। इफ सप्लाईज आर कंपोजिट सप्लाई तो ऐसे केस में उसको प्रिंसिपल एलिमेंट में क्लासीफाई करेंगे एंटायर कंसिडरेशन को सर, और वो कंपोजिट सप्लाई होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर माहौल, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए, व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी बेटा, ओके बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ग्रॉस अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कितना आएगा साहब, और हमने देख लिया सर। देखिए सर क्वेश्चन की तरफ आ गए हम, रिसीट्स देखिए आप यहाँ पे ये मिला होगा, रिसीट्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मिला, रिसीट्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आर एस फॉलोज। फर्स्ट है क्या, हायरिंग रिसीट ऑफ मशीन 5,25,000, देन सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑपरेटर 2,35,000 बेटा बस, और तू के सेल्स देने लगा इसका बेटा, तो 5,25,000 और 2,35,000 ये दोनों कंपोजिट सप्लाई में ऐड होगा, दोनों का टोटल अमाउंट आएगा, भले ही कंसिडरेशन अलग दे रखा है कोई कंसर्न नहीं, कंपोजिट सप्लाई 7,60,000 मानेंगे, 7,60,000 दोनों को ऐड करके अमाउंट जो आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, हायरिंग ऑफ द मशीन, और हायरिंग ऑफ द मशीन पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 12%, सो 7,60,000 मल्टीप्लाई बाय 12% आता है 91,200, तो 91,200 इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ आईटीसी, ग्रॉस अमाउंट ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, तो 91,200 डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आइए एमसीक्यू नंबर फोर की तरफ, शायद स्पीड बन रही है, मजा आ रहा है माहौल, यस सर।
what is the net amount of GST payable in cash, if any, after utilization of ITC, if any? तो 91,200 अभी आपने लाइब्रेरी निकाला बेटा, हमने MCQ नंबर 1 में देखा था एलिजिबल ITC कितना है बेटा, अगर आपको याद नहीं फिगर तो इसमें देख लीजिए, हम MCQ नंबर 1 में हमने निकाला था 82,000, बी इज द करेक्ट, बी वॉज द करेक्ट आंसर बेटा, तो 82,000 ITC आपके पास है साहब, तो नेट लाइब्रेरी आ गई आपकी कितनी 9,200, तो 9,200 सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। तो देखो जिसने ITC का अमाउंट सही कैलकुलेट नहीं किया या लाइब्रेरी का अमाउंट कैलकुलेट सही नहीं किया तो उसका ये आंसर भी गलत होने वाला है सर। तो 4 का आंसर आ गया सी माहौल एंड सर इसी के साथ कुछ सिंपल MCQs जो मैंने बनाए थे आपके लिए जिससे आपको आइडिया लगे कि किस तरह से आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। प्लस मेन मेरा जो फोकस था ये था कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेनी कि सर केस स्टडी बेस MCQ क्या होगा, अरे यार जो आपने पढ़ा है उसी को केस स्टडी फॉर्म में पूछ लेंगे। तो कुछ सिंपल्स मैंने आपको दिए सो दैट यू कैन गिव एनर्जी टू यूर सेल्फ कि यस जो आपने क्वेश्चन पढ़े उसी का केस स्टडी बन सकता है और किस तरह से बनेगा उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे सो दैट आप अपना मनोबल बढ़ा सके, कॉन्फिडेंस बढ़ा सके और एग्जाम्स के लिए अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, लव यू ऑल। ये जितने भी केस स्टडी बेस्ड MCQs के मैंने लेक्चर आपको अपलोड करके दिए यूट्यूब पे, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनको भी बोलो कि ये अगर क्वेश्चन आपने देख लिए तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरह से एग्जाम्स की तैयारी आपको करनी है। और केस स्टडी बेस्ड MCQs बहुत सारे, ऐसा नहीं 400 क्वेश्चन पढ़ लिए और उससे कुछ ना होने वाला है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अगर लॉ को ढंग से पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकली समझा हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।